हेलो फ्रेंड्स, आपका नया वीडियो में स्वागत है। ये मेरे रशिया सीरीज़ का लास्ट वीडियो है। इसमें मैं सेंट पीटर्सबर्ग से दिल्ली जा रहा हूँ। अब मैं आपको थोड़ा अपना रशिया हॉलीडेज बजट के बारे में बताता हूँ। मेरी ये हॉलीडेज टोटल 8 रातें और 9 दिन की थी। रशिया ट्रिप का टोटल खर्चा पड़ा 1,00,000 रुपये 8 रातों और 9 दिन के लिए। ये ज़्यादा है क्योंकि 50,000 तो सिर्फ दिल्ली मॉस्को रिटर्न टिकट में ही लग गए थे। इसके अलावा मेरे मॉस्को हॉस्टल में लगे 5,600 रुपये, जो कि 1,400 पर नाइट 4 रातों के लिए है। सेंट पीटर्सबर्ग होटल में लगे 8,000 रुपये 4 दिन के लिए, जो कि 2,000 रुपये पर नाइट के हिसाब से है। मॉस्को सेंट पीटर्सबर्ग हाई स्पीड ट्रेन में लगे आना जाना 14,000 रुपये। ट्रेन टिकट महंगी पड़ी क्योंकि मैंने मॉस्को पीटर्सबर्ग की टिकट सिर्फ 1 दिन पहले ही कराई थी, इसके 7,500 लगे थे। ऐसे ही सेंट पीटर्सबर्ग मॉस्को मैंने 3 दिन पहले कराई थी। हाई स्पीड ट्रेन सापसन ट्रेन बोलते हैं, उसके में लगे 6,500 रुपये। टैक्सी खर्चा 9 दिनों का टोटल आया 3,000 रुपये टोटल, क्योंकि मैंने ज़्यादा वॉकिंग करी थी तो वॉकिंग में ही मैं ज़्यादा करता था, तो टैक्सी मैंने कम करी, इस करके टैक्सी पे खर्चा मेरा कम आया। रशिया वीज़ा, सबसे बड़ा क्वेश्चन जो सब लोग पूछते हैं, रशिया वीज़ा कैसे लिया, उसका प्रोसीजर बताओ। प्रोसीजर कुछ नहीं है सर, रशिया वीज़ा मैंने एक ट्रैवल एजेंट की हेल्प से लिया। उसने मुझसे 9,500 रुपये 9,500 रुपये लिए और मैंने कुछ नहीं दिया, एक अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ और अपना एक पासपोर्ट, और 10 दिन में मेरे पास वीज़ा आ चुका था और मेरा खर्चा टोटल लगा 9,500 रुपये। और मुझे कहीं आने जाने की जरूरत नहीं पड़ी और रशिया का वीज़ा मुझे घर बैठे ही मिल गया। अब मैं बताता हूँ अपना खाने का खर्चा, जैसे खाना कितना टोटल 9 दिन में मैंने कितने का पैसा मेरा खाने में खर्चा हुआ, और टोटल खर्चा हुआ 10,000 रुपये। और ये मतलब कम से कम खर्चा है क्योंकि मैंने सब जगह फास्ट फूड जॉइंट्स पर ही खाना खाया है, जैसे कि KFC, मैकडोनल्ड्स, बर्गर किंग, ऐसी जगह पर खाता था। इस करके कोई फाइन डाइनिंग ऐसे रेस्टोरेंट में मैं नहीं गया। तो मेरे टोटल रशिया ट्रिप का अकेला खर्चा आया 1,00,000 रुपये। ये अकेले का बता रहा हूँ मैं, अगर आप दो जने जाते हो तो आपका जो होटल जो है ना आपस में जो डच हो जाता है, तो फिर आपको फिर वो सस्ता पड़ जाएगा। फिर इस एयरपोर्ट को बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में SPO, शेर मट ऐसे कुछ नाम है SPO। यहाँ पे मतलब 2-3 एयरपोर्ट है, एक एयरपोर्ट दूसरे एयरपोर्ट से 90 किलोमीटर दूर है। भाई साहब कभी फ्लाइट कनेक्टिंग फ्लाइट लेनी हो ना तो देख के करना, 90 किलोमीटर का फ़र्क है एक एयरपोर्ट से दूसरे एयरपोर्ट के अंदर। चलो आगे चलते हैं। आप यहाँ डी टर्मिनल में काफ़ी रश है, यहाँ तो लोग हैं भैया, और अपना तो एयर इंडिया है। चलो भैया चले, ये तो एरोफ्लोट है भैया, अपना एयर इंडिया है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, बार बार शक्ल चेक करते हैं क्योंकि इनको ना इंडियन की शक्ल समझ नहीं आती, जो पासपोर्ट से मैच नहीं करती, बार बार चेक करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी रशिया सीरीज़ पसंद आएगी।
अच्छा चलो मेरे YouTube फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी और ट्रैवल सीरीज़ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई ब्लॉग्स टू ऑल योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। और हमारा एक और चैनल है जिसका नाम है HH Vlogs। लिंक्स आप देख रहे हो यहाँ पे, आप चाहे तो उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो। बाय बाय।